हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 28 अगस्त से 20 अक्टूबर का ये जो समय है ना, इस समय बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं और इसके पीछे क्या गृहस्थिति है, क्या हमें फल मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। बस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि कई बार आप जल्दबाजी में वीडियो को थोड़ा देखते हैं और यदि छोड़ देते हैं तो फिर ये कंफ्यूजन रह जाता है। तो इससे बढ़िया है कि या तो आप पूरा देखें या तो ना देखें, क्योंकि यदि नहीं देखेंगे तो कोई बात ही नहीं आएगी। और कभी ऐसा है कि समय नहीं है तो सेव कर लीजिए वीडियो को और फिर बाद में देख लेंगे, पर देखिए जब देखिए तो पूरा। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, क्षमा करिएगा, समझते हैं कि ये जो परिवर्तन है क्या कैसा है। तो प्रियदर्शकों, हम बात कर रहे हैं मंगल के परिवर्तन की। मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है और यह मंगल का परिवर्तन, जैसे मैंने बताया कि 20 अक्टूबर तक यहीं पर गोचर करेंगे, यानी कि मिथुन राशि पर। और मंगल का परिवर्तन 26 अगस्त को ही हो चुका है, परंतु यह थोड़ा समय के अभाव की वजह से भी जो लेट आपको प्राप्त हो रही, पर मेरा कर्तव्य यह था जो मेरे प्रिय दर्शक हैं उनके तक जानकारी पहुंचे। थोड़ा लेट है परंतु पहुंचनी चाहिए, बस वही प्रयास है। तो ये जो मंगल का परिवर्तन है मिथुन राशि में होने जा रहा है, और ये मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध और मंगल आपस में इनकी शत्रुता है। और देखा जाए तो आपके लिए, वृश्चिक वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृश्चिक राशि के अधिपति ही मंगल है। और यदि आपकी राशि है तो आपके राशि सो गए, और यदि आपकी लग्न है तो लग्नेश हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंगल आपके एक तो लग्न के अधिपति हैं और सष्टम के अधिपति हैं। और इस समय जो गोचर काल है, गोचर काल में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, मारक भाव में। और आपके आय से भी संबंध बनाएंगे, आपके परिवार से भी संबंध बनाएंगे, आपके साहस से भी संबंध बनाएंगे। तो देखा जाए तो ये, अब यहां पर देखिए गहराई से समझने की बात है, और मैं जब मंगल की बात किया करता हूं तो थोड़ा वीडियो लंबी भी हो जाती कई बार। कारण क्या है कि अब समझे हम तो तीन भावों, दो भावों के अधिपति एक भाव में बैठे हैं, तीन भाव हो गए और तीन भावों से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। मंगल की तीन दृष्टि होती जैसे कि, तो यानी कि छह भाव यानी कि आधी कुंडली, 12 भाव तो कुंडली में होते ही हैं, तो आधी कुंडली को मंगल प्रभावित कर रहे हैं। सोचिए इतनी महत्वपूर्ण स्थिति है। ऐसे ही जैसे हम बुध की बात कर लें, हम शनि की बात कर लें, तो ऐसे कई ग्रह हैं जो कि आधी कुंडली में ही पूरा अपना वर्चस्व बना देते हैं, जहां भी एक परिवर्तन हुआ पर छह भावों को उन्होंने प्रभावित कर दिया। तो ये मंगल का परिवर्तन प्रिय दर्शकों आपके जीवन में आय में वृद्धि कराने वाला, और आय भी कैसी, जो लोग सोचते हैं आज के समय में भैया हमको अचानक कुछ मिल जाए, बहुत धन की समस्या चल रही, कुछ अचानक मिल जाए, ये वाली इच्छा पूरी हुई, इस समय पूरी होने की संभावनाएं मंगल ग्रह कर सकते हैं। तो मंगल का ये जो परिवर्तन है अचानक धन प्राप्ति कराने वाला साबित हो सकता है। इस समय जो लोग, क्षमा करिएगा थोड़ा खांसी बहुत हो गई है, पर वीडियो तो बनाना ही है जानकारी देने के लिए आपको। तो मंगल एक तो अचानक धन, और दूसरा है इसी से जुड़ा हुआ पर भूमि से संबंधित धन, क्योंकि भूमि पुत्र कहलाते हैं मंगल, तो भूमि से जुड़ा हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त करा सकते हैं। और जो लोग इस समय रिसर्च वर्क कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी होगी, तब सफलताएं प्राप्त होंगी। रिसर्च वर्क करने वालों के लिए कोई भी रिसर्च हो सकता है, आपका रिसर्च हो कि हमको मोबाइल लेना है, तो भैया कौन सा मोबाइल ले, इस समय तो बाजारों में जहां भी जाओ तो मोबाइल की ही दुकान है, मोबाइल में जाओ तो मोबाइल ही मोबाइल दिखेंगे आपको, हर जगह मोबाइल हो मोबाइल। लोगों के पास कुछ हो चाहे ना हो, मोबाइल टीवी ये तो होती ही आज के समय।
तो अब कौन सा लें भाई, यही कंफ्यूजन है। तो हो सकता है इसी में आप रिसर्च कर रहे हो, तो ये रिसर्च आपकी पूरी हो सकती है इस समय। इसके अलावा देखा जाए तो आपके घर परिवार में थोड़ा सा आपको माहौल को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि माहौल थोड़ा सा कलहपूर्ण समय हो सकता है, तो आपको अपने घर परिवार में शांति बनाने के लिए प्रयास करना होगा और अपने वाणी को संयमित रखना होगा, क्योंकि इस समय वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप सही बोलेंगे तो लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, लोगों को सहन नहीं होता है सत्य। परंतु नीति शास्त्र में यह कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप ही शीतल हो। तो हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि हम सत्य भी बोल जाएं और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो अपने वाणी को सीमित थोड़ा आपको रखना होगा। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय एनर्जी में वृद्धि होगी, जैसे कई सारे काम आप बड़े तेजी से कर सकेंगे। परंतु थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भाई बंधुओं के साथ रिश्तों को मजबूत करना है, आपसे बड़े हैं तो आशीर्वाद लेना है, आपसे छोटे हैं तो उनको प्रेम करना है, तो थोड़ा भाई बंधुओं का सहयोग लेते रहना है, उनके साथ तालमेल बैठाते रहना है। परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप भाग ले रहे हैं वहां पर आपको सफलता मिलेगी, परंतु संघर्ष के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आपको तैयारी को अपने 101% देना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में इस समय स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, स्वास्थ्य बेहतर रहे इसके लिए प्रयास करते रहें। किसी से कर्ज लेना नहीं है ना देना है, और यहां पर स्थिति ये बनने वाली है कि आप थोड़ा शत्रुओं से भी सावधान रहिए, शत्रु बाधा भी थोड़ा सा बन सकती है। तो देखा जाए तो ये मंगल का परिवर्तन कहीं ना कहीं कई तरह के लाभ दे रहा है, परंतु समस्याएं भी थोड़ा दे रहा है। तो सावधानियां रखिएगा इन जो बातों को मैंने बताया, और कोई भी महत्वपूर्ण यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली को चेक करिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा, है ना। महत्वपूर्ण निर्णय नॉर्मली तो व्यक्ति लेता ही रहता है और ले लेना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं, परंतु कोई महत्वपूर्ण यदि निर्णय है तो आपको कुंडली विश्लेषण करने के बाद लेना चाहिए। और उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में सबसे सरल और सबसे बढ़िया है हनुमान जी की आराधना। मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना बहुत श्रेष्ठ है, तो हनुमान जी की आराधना खूब करिए जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो। और कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कि चिरंजीवी हैं, यहाँ पर निवास करते हैं पृथ्वी लोक में, तो हनुमान जी की आराधना करें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।